into the mouth at the time of death. वो सब पानी के जल की बात नहीं है, ये ज्ञान जल की बात है. This does not imply drinking water. It is concerned to ज्ञान जल, that is the water of knowledge. समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से सदगति को पालेंगे. They believe that they will attain true salvation if they get even a little of गंगा जल. क्योंकि अंत समय समझते हैं अंत मते सो गति हो जाएगी. Because in the end moment they think अंत मते सो गति, our final thoughts lead to our destination. हो तो जन्म जन्मांतर है, मृत्यु होती ही रहती है. In fact death keeps occurring birth by birth. ये तो इस आखिरी जन्म की बात है. This is a matter of the last birth. जबकि एटमिक एनर्जी बन चुकी है, सारी दुनिया मौत के गाल में है. When atomic energy has already been prepared and the entire world is about to perish. सबका मौत सामने खड़ा है. Everyone's death stands in front. अभी जिन आत्माओं के मुख में गंगा जल पड़ेगा उनकी गति सदगति जरूर होगी. Now the souls who receive गंगा जल in their mouth will surely obtain salvation and true salvation. यहाँ बाप कहते हैं, Here बाप says, पानी के जल पानी की बात नहीं है. It is not material water which is spoken of. ज्ञान जल की बात है. It refers to ज्ञान जल. थोड़ा भी तुम ज्ञान सुनते हो, Even if you listen to a little knowledge, तो उसका फल मिल जाता है. You will get its beneficial results. दूसरों को सुनाते हो तो उनके ऊपर असर पड़ जाता है. If you give others, then it will have an impact on them. ये ज्ञान सुनने की बात है. It's a matter of listening to knowledge. बाकी मुख में डालने की बात नहीं है. Not of pouring into the mouth. अमृत तो कोई पीने की चीज होती नहीं है. अमृत, that is nectar, is not something to drink. ऐसा कोई अमृत नहीं होता जिससे कोई अमर बन जाए. There is no such nectar which on drinking makes people immortal. ये तो शास्त्रों में कथा कहानियाँ लिख दी है. These are stories written in the scriptural texts. जो कथाएं यहाँ की यादगार है. All those stories are remembrances of this period. जब सारी दुनिया में माया का जाल अच्छी तरह फैल जाता है. When the whole world goes into the clutches of Maya, तो अज्ञान अंधकार में आत्माएं डूब जाती है. Then the souls drown in the darkness of ignorance. अनिश्चय बुद्धि हो जाती है. They become of uncertain intellect. उन अनिश्चय बुद्धि आत्माओं को ज्ञान अमृत जब दिया जाता है तो सूरजीत हो जाती. सच सोल्स विद अनसर्टेन इंटेलेक्ट विल बिकम सूरजीत, दैट इज लाइवली, इफ दे आर मेड टू ड्रिंक ज्ञान अमृत, दैट इज नेक्टर ऑफ नॉलेज. तो कोई उस अमृत की बात नहीं है, ये तो नॉलेज है. सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नेक्टर, इट इज अ मैटर ऑफ नॉलेज. ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन हमको अमृत पिलाते हैं. डोंट थिंक दैट ऑन द डे ऑफ भोग वी आर मेड टू ड्रिंक अमृत, तो उससे हम अमर बन जावेंगे. देन By that we will become immortal. आत्मा का कोई कल्याण हो जाएगा? The soul will be benefited. नहीं. No. ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं. These are matters of blind faith. भोग आदि से कोई फायदा नहीं. There is no benefit from भोग etc. भोग ध्यान दीदार तो जन्म जन्मांतर होता आया. भोग ध्यान दीदार, that is offerings, meditation and exchanging glances. Have been done from the past births. अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है. They give attainment for a temporary period. वो तो मीठा पानी है. That is sweet water. है यहाँ की बात. It is actually the matter of this time. जितना मीठी मीठी बातें सुनाकर दूसरी आत्माओं का दिल जीतेंगे. As much you will win over the heart of the other souls by sweet words. ज्ञान में आत्माओं को निश्चय बुद्धि बनावेंगे. Make them निश्चय बुद्धि, that is of a faithful intellect in knowledge. तो वो आत्माएं अमर हो जाएंगी और अमर पद पाए लेंगी. That much they will become immortal and attain immortal posts. ज्ञान अर्थात बाप को और सृष्टि रचना के आदि मध्यंत को जानना. ज्ञान implies knowing the father and the beginning, middle and end of the सृष्टि चक्र, that is the world cycle. ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन कब कब जन्म लेते हैं. हाउ दिस व्हील ऑफ क्रिएशन रोटेट्स एंड व्हेन विच सोल टेक्स बर्थ. सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते. नॉट ऑल सोल्स कैन टेक 84 बर्थ्स. पहले पहले षष्ठी पर भारतवासी आते हैं. इनिशियली पीपल ऑफ भारत कम इन दिस वर्ल्ड. जो आदि से लेकर के अंत तक भारत में ही जन्म लेते हैं.
who continue to take birth from the very beginning until the end in Bharat only, वो पूरे 84 जन्म लेंगे. They take complete 84 births. जो देवताएं थे, those who were deities, वही 84 जन्म भोग फिर दैत्य बन जाते. Then become the deities after experiencing 84 births. क्योंकि द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से दो दो बातें सुनते हुए, अनोखी की बातें सुनकर के बुद्धि में धारण करते हुए नीचे गिरते जाते. It is because by listening to the two opinions, by listening to many and imbibing them in their intellects from the copper age, that is the age of duality, they continue to slide down. इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई. That is why Baba says in Murli, people of Bharat landed in misfortune by listening to hearsay. दूसरे धर्म की आत्माएं, the souls following other religions, और किसी धर्म पिता की बातों को, धर्म ग्रंथों की बातों को कान पर नहीं धरती. Neither listen to other religious fathers nor believe in their scriptures. ध्यान नहीं देती. They don't pay heed to it. और भारतवासी ऐसे हैं कि जो आया जिसने सुनाया सत्य वचन महाराज. But the people of Bharat are such that they listen to whoever came and whatever they told with true belief. हर एक की बात पर विश्वास कर लेते हैं. They believe in the words of everyone. बाप कहते हैं अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा. Father says that the ज्ञान will become व्यभिचारी if you listen to it from many. 63 जन्म तो सुनते सुनते भारतवासियों की दुर्गति हुई. People of Bharat landed in misfortune by listening to many, that is to such mixed ज्ञान since 63 births. अभी मैं सदगति करने के लिए आया हूँ. Now I have come to give true salvation. तो अनेकों की बातें नहीं सुनो. So don't listen to many. एक ऊंच से ऊंच को पहचानो. Recognize the one who is the highest on high. और उस ऊंच से ऊंच बाप की ऊंच से ऊंच बातों को सुनो. And listen to the highest on high words of the highest on high father. क्योंकि बाप ही आकर के कांटों से फूल बनाते हैं. Because Father himself comes to transform thorns into flowers. ये धंधा और कोई कर न सकता. No one else can do this job. मनुष्य देह अभिमान में आए पांच विकारों में फंस पड़ते हैं क्योंकि अभी है ही रावण राज्य. Humans become body conscious and get entangled in five vices as it is the kingdom of Ravan now. सत्युग था दैवी राज्य. सत्युग was the kingdom of deities. शिव बाबा आते हैं. When शिव बाबा comes, तो स्वर्गपुरी रचते. He creates स्वर्गपुरी, that is heaven on earth. मनुष्य गुरु आते हैं. When human gurus come, तो रावण नरक बन जाता है. They make absolute hell. 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है. The history of 2500 years is in front of us. चाहे कोई भी बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए हों, though any of the biggest religious fathers came, दुनिया नीचे गिरती चली गई. The world continued to deteriorate and slide down. काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते चले गए. The vices, lust, anger, greed, attachment and ego went on increasing. ईर्ष्या द्वेष बढ़ता चला गया. Jealousy and hatred went on increasing. अभी बाप कहते हैं मैं इन सब बातों का अंत करने आया हूँ. Now father says that I have arrived to put an end to all these things. दुर्गुणों का अंत करके सद्गुणों की दुनिया स्थापन करके जाऊंगा. I will finish all these vices and depart after establishing virtuousness. सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा. It will be the rule of लक्ष्मी नारायण of सूर्यवंशी, that is Sun dynasty. ऊंचे ऊंच है सूर्यवंशी. The सूर्यवंशीज are the highest on high. फिर है नंबर वार 9 ग्रह है ना. And the others then come rank wise. There are 9 planets, aren't there? सूर्य, the sun, बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि आदि, ये 9 ग्रह है ना. जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी एक्सेट्रा, दीज आर 9 प्लैनेट्स, aren't they? वो तो जड़ सितारे हैं जो आसमान में दिखाई जाते हैं. दोज आर लाइफलेस स्टार्स विच आर सीन इन द स्काई. वास्तव में, इन रियलिटी, इस धरती के सितारे चैतन्य हैं. द स्टार्स ऑफ द अर्थ आर लिविंग. उनमें कोई ग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं. सम अमंग देम आर वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स. जिन्होंने संगम युग में जबकि बाप आते हैं पवित्रता का पालन किया है उनकी पूजा होती है.
In the confluence age, when Father comes, those who have observed purity are worshipped. वो नवग्रह